तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से इस बार नई वीडियो में। ये वीडियो करीमुद्दीनपुर से फेफना के दूरीकरण का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल कुछ दूर के लिए ट्रैक इस साइड बिछाई गई है जो कि बाई छोर है। आगे से ट्रैक फिर दाई छोर में बिछाई जाएगी। हम लोग निकल चुके हैं करीमुद्दीनपुर से और हमारी ट्रेन है 05446 वाराणसी सिटी छपरा एक्सप्रेस स्पेशल जो कि अनरिजर्व है और आज इसका फर्स्ट रन है। लग गए हैं ये अच्छी बात है। पुल पे कैटरनरी के सामान भी लग गए हैं, वायर की कमी है और यहाँ पे बेलास्ट शायद कंप्लीट हो चुका है और बस ट्रैक के ऊपर डालना है बेलास्ट। पहले वाले वीडियो में आपने यूसुपुर से कटोराटी तक का दूरीकरण अपडेट देखा होगा और इस वाले वीडियो में जो ट्रेंडिंग है करीमुद्दीनपुर से फेफना और इसके बाद एक और वीडियो आएगी वो होगी बलिया से सातवार की और वो वीडियो भी आज ही के दिन रिकॉर्ड होगी और इसी ट्रेन से रिकॉर्ड होगी। सैल्यूट टू द मैन। यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऊपर भी डाला गया है ट्रैक के बीच में और यही काम अभी पीछे बाकी है। करीमुद्दीनपुर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं ताजपुर डेमा। फिलहाल ट्रेन की रफ्तार धीमी और यहाँ पे आप बगल में देखेंगे जो नए पोल्स लगे हैं नई लाइन पे उस पर हर जगह कैटेनरी के सामान जो है लगा दिए गए हैं। मेन कैटेनरी वायर ही बाकी है तो इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी काम चल रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे ताजपुर डेमा को पार करने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन की गाड़ी नई लाइन पर खड़ी है जो इलेक्ट्रिफिकेशन वैन होती है जिसमें वायर होता है वायरिंग वैन। यहाँ पे पोल्स अभी नहीं है क्योंकि हम लोग स्टेशन के पास पहुँच गए हैं। ये सब पोल्स इंटरलॉकिंग के दौरान आएंगे और ये कर्व शानदार कर्व रहता है ताजपुर डेमा के पास। ये जो ट्रेन है 05446 वाराणसी सिटी छपरा इसका आज फर्स्ट रन है और ये अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चल रही है ताजपुर डेमा पहुंच रहे हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर साइड 2 पे
ताजपुर डेमा से, और जैसा मैंने बताया था ताजपुर डेमा के बाद वायरिंग वैन खड़ी है मेन लाइन पे, और वायरिंग का काम स्टार्ट अभी हुआ नहीं है तो जल्दी ही होगा। ताजपुर डेमा से चितपड़ा गांव तक भी ट्रैक बिछ गए हैं अच्छी तरह, पैलास भी डाल दिया गया है। आप लोग वीडियो में कितना काम हुआ है कितना नहीं। और फिर एक और चीज़ है कि चितपड़ा गांव पे चार दिन के लिए ब्लॉक लिया गया था 8 से 11 फरवरी का इंटरलॉकिंग का, और वो इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो गई है क्योंकि आज 13 फरवरी है। और चितपड़ा गांव पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है फिलहाल के लिए चालू कर दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे काम चल रहा है, उस साइड 1 पहले ही से चालू था, मेन लाइन भी चालू थी, जो 2 है चालू कर दिया गया है और इंटरलॉकिंग हुई है तो नया सिग्नल भी लगा है। वायरिंग का काम अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हवल हवल लगाई है, यहाँ पे ट्रैक एकदम रेडी हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन ही बाकी है, ऐसी वह लास्ट में बाकी है उधर पीछे का साइड। हम लोग दिए हो गए हैं चितपड़ा गांव की ओर, ताजपुर डेमा से निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं अब चितपड़ा गांव, और चितपड़ा गांव पे आपको दिखाना है जो इंटरलॉकिंग के बाद काम हुआ है। दोस्तों चितपड़ा गांव की इंटरलॉकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पुराने ट्रैक से नए ट्रैक में ट्रैक निकल चुकी है और इस पे ट्रेन भी चली है।
और वो ट्रैक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ आगे जो राइट साइड को जा रही है निकल के वो जाएगी और सीधी चली जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, इंटरलॉकिंग का काम तो ख़त्म हो गया है लेकिन फिनिशिंग वर्क के लिए काम चलेगा, और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 उधर नहीं बना है उस पर भी काम चलेगा। नए सिग्नल लग गए हैं, ये दोनों नए सिग्नल हैं प्लेटफॉर्म 2 और 3 के, और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हो रही है। तो अब हम निकल चुके हैं पिपड़ा गांव से, बगल में आप देख सकते हैं ये मेन लाइन है जो पुरानी वाली है, उसके बगल में है वो डाउन मेन लाइन जो नई वाली है वो वाली, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। हम लोग फिलहाल मेन लाइन पे आ गए और इस लाइन को इंटरलॉक कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप बहुत सारी लाइन से आके ये इस वाली लाइन मिल जा रही है, और इधर और काम चल रहा है अभी। तो अब हम लोग अपने अंतिम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं जो इस वीडियो का लास्ट स्टेशन होगा, भेपना जंक्शन। चितपुरा गांव से निकल चुके हैं, आप देखेंगे तो राइट साइड में एक सिग्नल दिख रहा होगा जो होम सिग्नल है उस साइड के लिए जो अभी बंद है, और फिलहाल में एक नया होम सिग्नल जो चालू है वो आगे दिखाते हैं आपको अभी। देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ये वाला जो सिग्नल है, नया होम सिग्नल है जो कि चालू है उस साइड की ट्रेन के लिए, और स्पीड बढ़ाती हुई ट्रेन अपनी। एक कर्व है चितपड़ा गांव के बाद उस साइड, और आगे आएगा चितपड़ा गांव पे बना नया ब्रिज। यहाँ पे देखेंगे तो अभी बैलास की कमी है, ट्रैक तो बिछा गई है, पोल भी नहीं आया है, और राइट साइड में किलोमीटर पोल जो स्लीपर से होता है रॉक वाला वो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल्स भी आ गए हैं यहाँ, और हम बढ़ रहे हैं ब्रिज की तरफ। हम लोग पहुंच रहे हैं अपने इस वीडियो के लास्ट स्टेशन भेपना जंक्शन पे, आप कर्व देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कर्व है। बैग 7
आसनसोल सेट का पहली बार ट्रेन को हॉल कर रहा है आज फर्स्ट ट्रेन है। यही तक था दूरीकरण अपडेट करीमुद्दीनपुर फेफना सेक्शन का। आप देख सकते हैं हम लोग फेफना की तरफ पहुंच रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बलिया से सातवार के दूरीकरण अपडेट का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फेफना जंक्शन। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।